दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को घूमो दुनिया ब्लॉग, जो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और आज मैं कर रहा हूं अपनी गाड़ी का वॉक अराउंड, क्योंकि मैंने इसे धुलवाया था कल, तो दिखा दो। लोग कह रहे थे कि अपनी गाड़ी को कंडीशन दिखाइए अंदर से बाहर से, तो ये कंडीशन है। वॉक अराउंड देखिए, टायर वैसा चमक रहे हैं। सामने से कुछ ऐसा लुक है इसका। और साइड से हाँ, डेंट पेंट हो रखा, डेंट डेंट तो पड़ रहा है, पेंट नहीं करवाया मैंने अभी तक। अब बताऊँ तो 2009 मॉडल है, रूफ थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश मार के चमका रखा है धुलाई के बाद। 2009 मॉडल है, मैंने 2015 में ख़रीदा था, 6 साल पुरानी थी गाड़ी। और यही सोच के ख़रीदा था कि 2024 तक चलाऊँगा इसे। और पेट्रोल कार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी तक, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा एवरेज कम है, देखो इसका इंटीरियर। सीट कवर बेज कलर के हैं, तो गाड़ी में स्पेस देखो कितना है भाई। पीछे बैठ जाओ तो राजा बन के बैठो। आजकल की जो गाड़ी आ गई उसमें तो ये इतना ऐसे ऐसे बताते हैं, इसमें बहुत है। हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम में ऐसे दिखाता हूँ, सही है इतना है, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएगा बंदा ऐसे करके। हाँ, दो बंदे तो बैठ जाएंगे, तीसरा बंदा अगर देखा जाए तो बैठ जाएगा, छोटा बच्चा सा टाइप का बैठ जाएगा। लेकिन मैंने 3 बंदे बिठाए हैं, आराम से बैठ गए हैं, चले हैं खूब। एक बार तो कई जने थे, 4-5 जने भी थे, लेडीज लेडीज जाना था कहीं तक स्टेशन छोड़ने के लिए, तो वो भी बैठ गए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए एडजस्ट होके। तो पीछे देखो पंखा रख रखा है, ऐसे स्पीकर लगा रखे हैं। बाकी इंटीरियर तो अच्छा है भाई, देखो मैंने एक बार सफाई कराई थी ऊपर की रूफ की, ड्राई क्लीनिंग। और देखो यहाँ से कुछ ऐसा लगता है, ये टॉप मॉडल जैसा मुझे बन के दिखा रखा था इसमें, ये पहले से पहले वाले ओनर ने करा रखा था, ये ब्राउन कलर की टिपिंग सी। लेकिन फिर भी 1,12,000 में खरीदी थी मैं 2015 में की गाड़ी। और देखो म्यूजिक सिस्टम इसमें स्टॉक आया था लेकिन वो ख़राब हो गया था, मैंने हटा दिया, दूसरा लगवाया साउंड पावर का। एसी में भी कल काम थोड़ा सा करवाया था हल्का सा, कूलिंग कॉइल की सफाई कराई थी, क्लीनिंग कराई थी, गैस टॉपअप कराई है, और फिर मैंने धुलाई करवाई इसमें, पूरा अच्छा है। लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग में अभी देखो चलती नहीं चलती लाइट, ये लाइट है, बल्ब फूक गया था मेरा, ये भी डलवाया मैंने। तो ये है गाड़ी का अंदर नज़ारा। अब देखो कितने साल हो गए, 2020 और चल रहा है, 2011 साल पुरानी गाड़ी है, और अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये आदत है मेरी कि मैं गाड़ी साफ़ सुथरी रखता हूँ अंदर से कम, बाहर से भी जब टाइम मिलता है वो भी करता हूँ। थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है लेकिन हाँ, अभी ड्राई क्लीनिंग कराऊंगा इसमें तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, इंटीरियर एक्सटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर में दाग है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं साइकिल बहुत तेज चलाते हैं, और यहाँ पे टर्न है देख रहे ना, यहाँ से टर्न से लेके आते हैं, और यहाँ पे देखो ये साइकिल के दाग, अब मोड़ते मोड़ते टकरा ही जाते हैं। जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तब कोई भी डेंट नहीं था, बिल्कुल बहुत बढ़िया रख रखी थी उन्होंने। अब ये ख़रीदा 1,12,000 में तो काम तो कराना पड़ता, देखो पुरानी गाड़ी पुरानी होती है, लेकिन हाँ ज़्यादा काम नहीं कराया। फिर भी इसे मैं बेचूंगा नहीं, पूरा यूज़ करूँगा, फिर बेचने में पूरा पैसा नहीं मिलता। और अगर किसी के पास है इस पास गाड़ी तो भैया बेचियो मत, यूज़ कर लियो ढंग से। लोग इसमें CNG चला के, देखो ये दाग लग गया डेंट, लोग इसमें CNG लगा के भी चला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अच्छी चल रही है। लेकिन ये पेट्रोल का कार है, मैंने CNG इसलिए नहीं लगाई, मेरा रनिंग कम है इसलिए, तो क्यों खड़ी खड़ी गाड़ी में CNG लगवा के रखूं। और रनिंग कॉस्ट, अब देखो रनिंग कॉस्ट जब कम होती है जब हम ज़्यादा चलाते हैं, नहीं चलाएंगे तो एक्सपेंडिचर पहले ही कर देंगे तो बेकार, कवर अप भी नहीं हो पाएगा। तो बताना रिव्यू, अगर आपकी वो गाड़ी ऐसी है इसी कलर में है तो कैसी कंडीशन लगी आपको कमेंट में लिख के बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद जय भारत। 1 मिनट और,
मैं जरा फ्रंट से बैठ के भी दिखा दूँ। जय हिंद जय भारत तो कर रहा था, मैंने कहा चलो फ्रंट से एक बार मैं सर वीडियो एंड करने से पहले का दिखा दूँ अच्छा सा नज़ारा। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर दो लगा रखे मैंने पीछे और दो आगे यहाँ लगे होते हैं, है ना चमकदार। तो अब करते हैं एंड वीडियो को। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए खुशहाल रहिए।